मंगलवार को महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहोटी मध्य रेल ने नागपुर मंडल के आमला नागपुर सेक्शन का वार्षिक निरीक्षण किया। महाप्रबंधक ने निरीक्षण की शुरुआत आमला के स्टेशन यार्ड लेआउट से की और नागपुर में पूरे दिन के ब्यौरे के साथ शाम को पत्र परिषद को संबोधित कर दौरे की जानकारी दी। कोविड के बाद अब भारतीय रेल अपने सुचारू और सामान्य परिचालन की तरफ अग्रेसर हो रही है। इसी कड़ी में मध्य रेल के महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहोटी ने एक दिवसीय दौरा किया, जिसमें विविध कार्यों का जायजा उन्होंने लिया। आमला से इस दौरे की शुरुआत हुई। वहां उन्होंने पैनल रूम और रूट रिले इंटरलॉकिंग का भी निरीक्षण किया। क्रू लॉबी का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने सिग्नल लेआउट बुकलेट, लोको पायलटों के लिए सेल्फ लर्निंग ऐप, हैप्पीनेस इंडेक्स सिस्टम का विमोचन किया और ऑन ड्यूटी क्रू के साथ बातचीत की। उन्होंने जलपान कक्ष, प्रतीक्षालय, स्टेशन स्टॉल, बुकिंग कार्यालय, सर्कुलेटिंग एरिया और रनिंग रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने आरपीएफ बैरक का निरीक्षण किया और हथियारों, गोला बारूद और आधुनिक उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आमला में महाप्रबंधक ने माननीय विधायक से भी मुलाकात की। आमला निरीक्षण के बाद आमला और मुलताई के बीच स्पीड रन टेस्ट किया गया। मुलताई में महाप्रबंधक ने लिमिटेड हाइट सबवे, गैंग यूनिट, गैंग हट, गुड शेड और द रेलवे कॉलोनी का निरीक्षण किया। उन्होंने उद्यान का निरीक्षण कर वृक्षारोपण भी किया। आमला से नागपुर तक विभिन्न जगहों पर निरीक्षण में मंडल रेल प्रबंधक ऋचा खरे, नागपुर मंडल प्रमुख विभागाध्यक्ष और मंडल के शाखा अधिकारी भी मौजूद थे। आज मुख्यालय से सभी प्रिंसिपल हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट के साथ मैंने आमला और आमला से लेकर नागपुर खंड का विस्तृत निरीक्षण किया। ये एनुअल इंस्पेक्शन होता है जो हम लोग प्रत्येक वर्ष हर मंडल में एक खंड का डिटेल्ड इंस्पेक्शन करते हैं, जिसमें मुख्यालय के सभी प्रिंसिपल हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो रेलवे प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए जो निर्देश हमने जारी किए हैं मुख्यालय स्तर से, उनका पालन सही तरह से हो रहा है या नहीं। जो मंडल में ऑपरेशन, वाणिज्य, यात्री सुविधाएं और जो हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो ठीक तरह से उपलब्ध हैं या नहीं हैं, इसका निरीक्षण और उससे संबंधित जो सुधार और जो इम्प्रूवमेंट और जो उसके भविष्य की योजनाएं हैं उसके संबंध में विस्तृत चर्चा। दौरान 68.56 मिलियन टन का माल लदान किया है, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 25% अधिक है। इसमें नागपुर मंडल का योगदान उल्लेखनीय है। मध्य रेल के 68.56 मिलियन टन में 39.88 मिलियन टन का लदान नागपुर मंडल से ही प्राप्त हुआ है, जो मध्य रेल के कुल लदान का 58% है। मुझे यह भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अप्रैल से 16 मार्च तक नागपुर मंडल ने फ्रेट रेवेन्यू में 4000 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है, जो इस अवधि में प्राप्त आय अभी तक का पिछले सभी वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है और एक रिकॉर्ड है। मध्य रेलवे पार्सल यातायात को बढ़ाने के लिए भी निरंतर प्रयासशील है और अप्रैल से फरवरी 2022 के दौरान पार्सल यातायात से मध्य रेल द्वारा लगभग 290 करोड़ रुपए की आय अर्जित की गई, जो कि सभी क्षेत्रीय रेलों में सर्वाधिक है और इसी अवधि की तुलना में पिछले वर्ष से लगभग 120% अधिक है। इसमें एक बहुत बड़ा योगदान किसान रेल का है, जिसके द्वारा हम जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं उनको देश के विभिन्न कोनों में पहुंचा रहे हैं और मध्य रेल सभी क्षेत्रीय रेलों में सर्वाधिक किसान रेलें चला रहा है। 7 अगस्त 2020 से किसान रेल का संचालन मध्य रेल से प्रारंभ हुआ था और 20 मार्च 2022 तक लगभग 1134 किसान रेल मध्य रेल चला चुका है। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले,
खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।